मैं आपको एक सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मैंने घर पे बनाया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अमेजिंग एक सिस्टम है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक प्रकार का है, इसको कह सकते हैं। इसको मैंने घर पे ही तैयार किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। इस वीडियो में मैं इसका काम करने का तरीका आपको बताऊँगा और अगर आपको ये समझ में आए थोड़ा सा तो इस डिवाइस से रिलेटेड मैं और भी वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूँगा, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़े कि ये डिवाइस कैसे काम करता है, इसके पार्ट्स हैं जो किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको और वीडियोज में बताऊंगा। इस वाले में सिर्फ आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये काम करता है। पहले थोड़ा सा इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज बता देता हूँ। ये एक मोबाइल कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग यूनिट तरह का एक डिवाइस है, जिसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने इसको हमारे पूरे सर्किट में लगा दिया है, कहीं भी, चाहे हमारा ऑफिस हो, पूरी बिल्डिंग हो, जैसे घर हो, उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसको जोड़ दिया है। उसके बाद हम इस पर कॉल करते हैं, तो कॉल करेंगे जैसे ही इसमें ये मोबाइल भी जोड़ा जाता है। इस वाले ये जो होता है हमारा हेडफोन जैक वाला पिन, इसके साथ ये छोटा वाला कीपैड मोबाइल इसमें जोड़ा जाता है। जब इस पर कॉल किया जाता है, इसमें सिम लगा हुआ होता है। किसी भी फोन से हम इस पर जब कॉल करते हैं तो ये एक बार कॉल को ये या तो ऑन कंट्रोल कमांड मानेगा या ऑफ कंट्रोल कमांड मानेगा। अब वो इसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे फिलहाल ये ऑफ कंडीशन में है और जब मैं इसमें इस वाले फोन को कनेक्ट करके इस दूसरे फोन से इस पर कॉल करूंगा तो ये इसको ऑन कमांड मानेगा। और मैंने इसमें ये जो मिक्सर ग्राइंडर है ये इस वाले प्लग में कनेक्ट किया हुआ है, ये वाला मिक्सर ग्राइंडर, और फिलहाल ये पावर से आउट है इसका स्विच। ये इसका इनपुट पोर्ट है, ये आउटपुट पोर्ट है और इसको आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। वैसे मैंने ये कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। तो अब इसका प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहिए। मैं इसको पावर में लगा देता हूँ और वैसे इसमें एक इंडिकेटर भी है, शायद आपको नहीं दिखेगा, वो अंदर है। इसको मैं पावर में लगा रहा हूँ और ये ऑन हो गया गाइस। मुझे इसका इंडिकेटर दिख गया है ब्लू कलर का। अब इसमें इस वाले फोन को हेडफोन की सहायता से जोड़ दें। इस पर देखना आपको कुछ दिखाई देगा, इसमें कॉलिंग का जो अलर्ट आएगा और इस वाले फोन से इस पर कॉल करते हैं। ये देखिए गाइस, ये अब ऑन कंडीशन में इस पर कमांड जा रहा है। ये हो गया, अभी एक कॉल से ऑन हुआ था, दूसरे से ऑफ हो गया था। अब इसके साथ अगर आपको इसमें कोई डाउट लगे कि भाई मैंने कहीं से कोई वायर्स की सेटिंग की हुई है टेबल के इधर उधर से, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये 100% यूनिक और सिस्टमेटिक डिवाइस है। अब इसका दूसरा ट्रायल इस वाले एलईडी बल्ब के साथ लेते हैं। इसको इसका मिक्सर के साथ ट्रायल तो कर लिया है और अब इसके साथ देखते हैं, ये हमारा प्रेस इसमें लगाया हुआ है इस वक्त, इसको ऑन ऑफ करके देखते हैं क्या होता है। ये मैं फिर से इस सिस्टम पर कॉल करता हूँ। ये जो साउंड आई थी अभी, ये इस वाले मोबाइल फोन की है। तो इसको अब इस आपको आयरन में इंडिकेटर दिख रहा होगा, इसका ये ऑन हो गया रेड कलर का। अब दोबारा से जब इसको मैं ऑफ कमांड दूंगा तो ये ऑफ होना चाहिए। अब हो सकता है आपको इस वीडियो से देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आए, तो जैसे भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आते हैं तो मेरे को एक बार कमेंट में जरूर बताना, मैं जरूर सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। जो भी आपको डाउट इससे संबंधित दिमाग में आए उन सबका मैं जवाब 100% दूंगा। आयरन को मैं निकाल देता हूँ और अब इसके साथ लैंप को यहाँ ऑन करके देखते हैं। ये मैंने इसमें ये वाला जो लैंप था ये लगा दिया है, ये और आयरन को हटा दिया। अब इसको दोबारा कमांड देते हैं, फिर से इसको ऑफ कमांड देते हैं। ये लाइट ये ऑफ हो गया। तो इस तरीके से ये सिस्टम है जो हमारा, इसका प्रैक्टिकल फंक्शन ये होता है। लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है उससे संबंधित मैं अगली वीडियो
आपके लिए बनाऊंगा। अगर आपकी डिमांड रही और आपने कमेंट में बताया कि आपको चाहिए वीडियो, तो मैं बनाऊंगा। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपको।